हेलो दोस्तों, जस्ट फिल इट चैनल में आपका स्वागत है। त्रिदेव के रीमेक में नजर आएंगे सलमान खान, भाईजान बनेंगे रीमेक किंग। सलमान खान वैसे तो इन दिनों अपनी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग कर रहे हैं, जिसे फिलहाल भाईजान भी कहा जा रहा है। लेकिन उनके लाइन अप में कई और फिल्में भी हैं, जैसे टाइगर 3 और बजरंगी भाईजान का सीक्वल। इसी बीच अब खबर आई है कि सलमान खान के हाथ एक और फिल्म लगी है। ये फिल्म दरअसल एक रीमेक होगी। बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान को फिल्म त्रिदेव के रीमेक के लिए अप्रोच किया गया है। एक्टर को खुद ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर राजीव राय ने अप्रोच किया था। सलमान खान को फिलहाल आइडिया पसंद आया है, लेकिन उन्होंने इसे अभी साइन नहीं किया है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की बाकी स्टार कास्ट की तलाश की जा रही है। रीमेक को नए डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे। बता दें कि ओरिजिनल फिल्म त्रिदेव साल 1989 में रिलीज हुई थी। फिल्म में सनी देओल, जैकी श्रॉफ, नसीरुद्दीन शाह और स्वर्गीय अमरीश पुरी लीड रोल में थे। सलमान खान वैसे भी कई फिल्मों का रीमेक बना चुके हैं और उनकी वो फिल्में हिट भी हुई हैं, फिर चाहे वो भारत हो या वांटेड। हालांकि इस रीमेक को आज के जमाने के हिसाब से बनाया जाएगा और उसी के मुताबिक स्क्रिप्ट में बदलाव किए जाएंगे। इस रीमेक का अभी नाम तय नहीं किया गया है। तो क्या आप सलमान खान की एक और रीमेक फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड हैं? सलमान खान के बाकी काम की बात करें तो एक्टर कुछ समय बाद आपको बिग बॉस 16 में नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि इस बार एक्टर ने इस शो के लिए अपनी फीस 3 गुना बढ़ा दी है और ये करीब 800 से 1000 करोड़ रुपए के बीच पहुंच रही है। इसके अलावा सलमान खान पठान और गॉडफादर जैसी फिल्मों में कैमियो करते नजर आएंगे, जबकि उनकी अगली फिल्म अब सीधे क्रिसमस पर रिलीज होगी।